नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज टीचिंग मेथडोलॉजी के नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से आई हूँ। आज हम छठवां टॉपिक करने वाले हैं, सिक्स नंबर का टॉपिक ले रही हूँ, टीचिंग मैगजीन्स। टीचिंग मैगजीन्स क्यों जरूरी है, जिसको हिंदी में हम शिक्षण सूत्र के नाम से जानते हैं। अब ये शिक्षण सूत्र होते क्या है और आखिर ये टीचिंग के लिए क्यों जरूरी है, थोड़ी सी चीजों को समझा लेते हैं। मान लीजिए अगर हमें टीचिंग करना है तो टीचिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने जो भी मेरा वे ऑफ टीचिंग है उसके जरिए मैं क्या करूंगी, स्टूडेंट को अपना नॉलेज ट्रांसफर करूंगी। तो यहाँ टीचिंग करने का तरीका क्या होगा, मेरा टीचिंग किस वे में करूंगी। तो ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे इन चीजों को कि टीचर जो होता है, ये टीचिंग करने के लिए जो टीचर होता है वो टीचर क्या करता है, वो टीचर अपने नॉलेज को ट्रांसफर करता है किसको, स्टूडेंट को। पर इस ट्रांसफर करने के लिए पहले भी बता चुकी हूं कि टीचर स्टूडेंट को जो नॉलेज ट्रांसफर करना चाहता है वो किस तरीके से करे, किस जरिए से करे, उसका क्या सिस्टम होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, उस स्ट्रैटेजी या उस वे को या उस तकनीक को या उस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब इस वे के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें आएंगी जिससे कि मेरी टीचिंग और ज्यादा इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग हो जाए। तो उस टीचिंग के वे के अंतर्गत मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया है कि इसमें फेजेस ऑफ टीचिंग की जरूरत होती है, कि आपको पता होना चाहिए शिक्षण की अवस्थाएं क्या है, लेवल क्या है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आपकी अप्रोचेस क्या है क्लास में पढ़ाने की। उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि मैं क्लास में जब पढ़ाने जाऊं तो मेरे मैगजीन्स क्या होने चाहिए, मेरे सूत्र क्या होने चाहिए, मैं किसे ढाल बनाकर शिक्षण प्रक्रिया को स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि आपका टीचिंग में जो है इफेक्टिव तब होगा जब आपके पास कुछ तीन बेसिक हथियार होंगे। और वो तीन चीजें हैं क्या, पहला सबसे पहला जो सबसे बड़ा होता है वो होता है मेथड, विधियां। पर विधियां बनाने के लिए मुझे दो और टर्म्स किया, दो और नीड चाहिए। दो क्या चीजें हैं, एक मैगजीन्स और दूसरा प्रिंसिपल, सिद्धांत और सूत्र। इसका मतलब टीचिंग करने के लिए मुझे टीचर को टीचिंग करने के लिए, इससे कनेक्ट करने के लिए मुझे तीन चीजों की जरूरत होती है। वो तीन चीजें क्या है, सबसे पहला मुझे क्या चाहिए, मैथड चाहिए, और मैथड इतना इफेक्टिव हो कि बच्चे तक वो नॉलेज क्या कर सकूं, मैं ट्रांसफर कर सकूं। बट वो मैथड किसके साधन से ट्रांसफर करो, तो दो चीज और चाहिए जिसमें से पहला क्या है, मैगजीन्स, और दूसरा क्या है, प्रिंसिपल। तो ध्यान रखिएगा कि टीचिंग करने के लिए हमें तीन चीजें बहुत जरूरी होती है। सबसे पहला चुनाव हम लोग मेथड का करते हैं, जैसे मैं अभी आपको लेक्चर मेथड के जरिए पढ़ा रही हूँ। दूसरा सूत्र चूज करते हैं कि कौन से मैगजीन से पढ़ाऊं, तो मैं आपको इजी टू डिफिकल्ट पढ़ाऊं, नोन टू अननोन पढ़ाऊं, या डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पढ़ाऊं। और उसके साथ साथ जब मैं मैगजीन्स चूज कर लेती हूँ तो मेरा प्रिंसिपल भी होना चाहिए कि मैं प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी से पढ़ाऊं, या प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन से पढ़ाऊं, या प्रिंसिपल ऑफ रीइन्फोर्समेंट से पढ़ाऊं। तो ये तीनों चीजें क्या है, मेरे वे को और ज्यादा स्ट्रांग और इफेक्टिव बनाता है। बट इसके साथ साथ हम लोग टीचिंग एड का भी इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पढ़ाने के तरीके को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है। तो आज हम लोग सबसे पहले मेथड ना पढ़कर सबसे छोटी चीज पढ़ रहे हैं कि उस मेथड को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। तो मेथड को इफेक्टिव बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, मैगजीन्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब सूत्र की। अब थोड़ा सा मैं सूत्रों को एक एक करके डिफाइन करती हूँ कि ये होते क्या है और किस तरीके से इनका क्लास में उपयोग किया जाता है, चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहला जो सूत्र ले रही हूँ मैं, इजी टू डिफिकल्ट, हिंदी भी मैं बोलती जा रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि बच्चों ने मुझे कहा कि मैम हिंदी भी साथ के साथ आप बताइए, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस का उपयोग करिए। तो यहाँ पर इजी टू डिफिकल्ट को हम क्या कहेंगे, सरल से कठिन की ओर, जबकि यहाँ पे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी है और एक आपको कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये अलग अलग आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इजी टू डिफिकल्ट, सरल से कठिन की ओर। जब हम विद्यालय में पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, तो हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए देखेंगे। जब हम किसी बच्चे को कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो हम इजी टू डिफिकल्ट की तरफ लेके जाएंगे। पहले हम स्टैंडिंग स्लिपिंग लाइन सिखाते हैं, उसकी मदद से हम ए बी सी डी बनाना सिखाते हैं। थोड़ा और दूसरा एग्जांपल, हम इसी वो स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन के जरिए से हम 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर सिखाते हैं।
और थोड़ा सा एक दो तीन सिखाने के बाद ही हम 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13 सिखाते हैं. इजी टू डिफिकल्ट. पहले हम कुछ चीजों को डायग्राम के जरिए, चित्रों के जरिए जोड़ना सिखाते हैं और फिर उसके बाद उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं. थोड़ा और बढ़ाऊं तो फिर टू डिजिट्स के नंबर को ऐड करते हैं. थोड़ा और बढ़ाऊं तो 3 डिजिट्स के नंबर को ऐड करना सिखाते हैं. थोड़ा और बढ़ाऊं तो क्या हो जाएगा, 4 डिजिट्स के जो हमारे पास नंबर होते हैं उनको ऐड करना सिखाते हैं. एक चीज गौर करोगे, सरल टू कठिन के अंतर्गत क्रम जो है धीरे 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 बढ़ता जाएगा. ये क्रमबद्ध प्रक्रिया है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. इसमें रूल रेगुलेशन चेंज नहीं होते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मैंने एक को ऐड किया था तो दूसरा रूल यूज किया, दूसरे को दो, अगर 2 डिजिट का एडिशन सिखा रही हूँ तो रूल चेंज हो जाएगा, फिर तीसरे एडिशन को सिखा रही हूँ तो जब सडनली रूल चेंज हो जाएगा. इसमें सडनली रूल चेंज नहीं होते हैं, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है और बच्चा धीरे धीरे इसी की सहायता से सीखता है. तो इसको कहते हैं इजी टू डिफिकल्ट. ये प्राइमरी लेवल पे भी यूज हो सकता है, TGT और PGT में भी अप्लाई कर सकता है. इट्स डिपेंड ऑन द टॉपिक एंड कंटेंट ऑल्सो. सेकेंड है नोन टू अननोन. नोन टू अननोन का मतलब है कि जहां बच्चे को हम पढ़ाते हैं वो पहले क्या होना चाहिए, उसका नोन होना चाहिए. आपको पता होगा LCM 2005 ने एक बात कही है, अपने प्रिंसिपल में भी ये बात को ऐड किया गया है कि आप जो भी पढ़ाएं वो बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाएं, उनकी रियल लाइफ को कनेक्ट कर एग्जाम्पल्स दें या टीचिंग करें. इसका मतलब यहाँ पर नोन क्या है, ज्ञात, और अननोन क्या है, अज्ञात. मतलब आप जो भी पढ़ाएं वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए. अब बच्चे को आप A4 एप्पल ही क्यों पढ़ाते हैं, आप दूसरी चीज क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि एप्पल जो है बच्चे के लिए नोन है. उसी तरीके से जब आप कोई भी वर्ड पढ़ाते हैं तो पिक्चराइजेशन के साथ पढ़ाते हैं. अगर हेड लिखा है तो हेड की पिक्चर होगी, अगर कॉबलर है तो कॉबलर की पिक्चर होगी, हाउस है, डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस हैं तो उसकी पिक्चर होगी. इसका मतलब सब कुछ आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, उसकी नोन से. तो बच्चा जो जानता है उसको अगर बताते हुए जो नहीं जानता है उसको सिखाएं तो उसको क्या कहते हैं, नोन टू अननोन. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा घर में सारे संज्ञा या फिर बोलना चाहिए प्रपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, सारी चीजों का इस्तेमाल घर पर करता है. जैसे वो कहता है मम्मा आम खट्टा है, तो आम जो है नाउन का और खट्टा जो है उसकी क्वालिटी बता रहा है. तो इस तरीके से बच्चे को और भी पता है, प्रपोजिशन भी पता है. वो कहता है मम्मा मैं बेड पर बैठा हूँ, मैं छत पर खेल रहा हूँ. पर वो बचपन से उन सभी चीजों का प्रयोग कर रहा है, बट उसे ये नहीं पता होता कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है. इसका मतलब क्या है कि बच्चे को हम नोन चीजों को बताते हुए धीरे धीरे उसको किसकी तरफ लेके जाते हैं, अननोन की तरफ. अब आते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सरल से शुरू होकर जटिल की तरफ जाना चाहिए. ध्यान रखना ये दोनों एक जैसे लगते हैं. इजी टू डिफिकल्ट होता है सरल से कठिन की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है सरल से जटिल की ओर. अब सरल क्या है और जटिल क्या है, जब हम किसी चीज को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने का तरीका जो है वो सरल की से धीरे धीरे जटिल की तरफ जाना चाहिए. जैसे आप स्टार्टिंग में सिखाओगे कि राम पढ़ता है, फिर आप इसमें बोलोगे कि राम विद्यालय में पढ़ता है, फिर और थोड़ा टफ करोगे राम विद्यालय में पढ़कर घर वापस आता है. फिर इसी तरीके से आप धीरे 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 सेंटेंसेस को क्या कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स कर सकते हो और टफ कर सकते हो. सिंपल वे में एक सिंप्लीफिकेशन का आपको एग्जाम्पल देकर समझा देती हूँ. मान लो अगर मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन करा रही हूँ, ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल है. अब इसी को मैं धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कर सकती हूँ. मान लो अगर इसी को मैं ब्रैकेट में लिखकर इसके स्क्वायर कर दूं, या फिर इसमें ही मैं इस तरीके का कर दूं, फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ, इसको और टफ कर दूं, और कॉम्प्लेक्स कर दूं, और भी कर सकती हूँ, और भी कर सकती हूँ. इसका मतलब एक सिंपल से क्वेश्चन को मैं कितना ज्यादा एक बच्चे की थिंकिंग को डेवलप करने के लिए क्या कर सकती हूँ, कॉम्प्लेक्स कर सकती हूँ. तो इसी को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करते हैं. मतलब पहले इजी इजी पजल या इजी पहेलियां सुनाते हैं, फिर धीरे धीरे पहेलियों को क्या करते हैं, टफ करते जाते हैं. पहले छोटे छोटे ऐसे लिखवाते हैं या छोटे छोटे सेंटेंसेस मेकिंग लिखवाते हैं और फिर धीरे धीरे टफ कर देते हैं. या सिंपल वे में कह दूं, वन वर्ड क्वेश्चन से शुरू करते हैं,
फिर धीरे धीरे लॉन्ग क्वेश्चन के बाद हम लोग हाई ऑर्डर क्वेश्चन के बारे में बात कर सकते हैं। हम कन्वर्जेंट थिंकिंग के साथ साथ धीरे धीरे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे को पहले सरल चीजें सिखाते हैं और धीरे 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 उसे लिंक करते हुए हम जटिल चीजों को सिखाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। अब ये मूर्त और अमूर्त क्या होता है, कभी भी कोई भी टीचर क्लास में जो भी एक्सप्लेन करेगी वो उन फाइव सेंसेस का इस्तेमाल कर प्रयोग करेगी। पहले मूर्त और अमूर्त बता देती हूँ, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है जिन भी चीजों को आप अपनी पांच ज्ञानेंद्रियों फाइव सेंसेस के जरिए टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो क्या होती है आपकी कंक्रीट होती है। बट जिन चीजों को आप सिर्फ अंडरस्टूड कर सकते हो, जिन चीजों को आप सिर्फ समझ सकते हो, सोच सकते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो बच्चे की थिंकिंग जो है स्टार्टिंग में डाइवर्जन कभी नहीं होती, वो कभी भी इतनी डेवलप नहीं होती कि वो उसके कारण को जान सकेगा कि क्या है, क्यों है, कैसे है। बस सिर्फ कॉन्क्रीट ये होता है कि बच्चा उसको देखकर पहचान जाए। एग्जाम्पल, किसी बच्चे को काऊ की पिक्चर दिखाकर उसे पहचानना, ये कॉन्क्रीट है। बट अगर काऊ बोलने के बाद उसके बारे में वो ऐसे लिख दे या उसके बारे में 10 लाइन अपने दिमाग से सोच कर लिख दे तो वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से या टेबल या सब्ट्रैक्शन कोई भी चीज वो फिंगर्स पे कर रहा है तो ये कॉन्क्रीट है। बट वो अगर माइंड में कैलकुलेशन कर दे तो वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इसको हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष क्या होता है, जब हम किसी बच्चे को कोई काम कर कर उसके सामने दिखाते हैं और देन उसके बाद वो उसको खुद स्वयं करने का प्रयास करता है या फिर अभ्यास करता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को पहले चीजों को प्रत्यक्ष रूप में कर दिखाओ, समझाओ और फिर उसके बाद उसको इनडायरेक्टली वे में उन चीजों को यूज करने का मौका दो। एग्जाम्पल, पहले उसे डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं या फिर रूल्स याद करवाते हैं और फिर इनडायरेक्टली वे उसके सामने सिचुएशन रख देते हैं और वो उस पर वो रूल्स या फॉर्मूले अप्लाई करता है। जैसे मेंस्ट्रुएशन, ज्योमेट्री, किसी की भी बात कर सकते हैं। पहले हम बच्चों को रूल्स और फॉर्मूला याद करवाते हैं या फिर हम एक कमरे का, क्यूब का, ईंट का, किसी का एग्जाम्पल दिखाकर उसको बहुत अच्छे से उसको समझाते हैं। देन उसके बाद एक सिचुएशन देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, वर्ड प्रॉब्लम देते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वो जो उसने ऑब्जर्व किया, जो देखा, वो सीखा, उसको क्या करता है, यहाँ पर अप्लाई करता है। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अब बात करते हैं पर्टिकुलर टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसका मतलब है उदाहरण से नियम की ओर। इसको इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि पालन करता है। थोड़ा सा समझ लोगे कि यहाँ पर क्या करते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल का मतलब है पर्टिकुलर, ध्यान रखोगे यहाँ पर उदाहरण है और जनरल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नियम है। तो उदाहरण से नियम की बात कर रहे हैं। तो पहले हमेशा बच्चों को कोई भी टॉपिक समझाओ, पढ़ाओ तो उससे रिलेटेड उदाहरण बताओ। अब बच्चे को बताना है कि लोकतंत्र क्या है या फिर आप बताना चाहते हो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, किसी भी टर्म्स को आप समझाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उदाहरण देना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बताना पड़ेगा और देन उसके बाद उसकी जनरल चीजों के बारे में बताना है। जैसे कंप्यूटर पहला वर्ड जो है वो पर्टिकुलर है बट वो उदाहरण है, बट उसके बारे में जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो जनरल हो जाएगा। नाउन, संज्ञा, ये एक पर्टिकुलर वर्ड है बट ये उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए बता रहे हो, पर धीरे धीरे उसके पार्ट्स, उसके एग्जांपल्स, उसकी डेफिनेशंस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। इनडेफिनेट टू डेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब होता है जिसको हम अनिश्चित से निश्चित की ओर बोल सकते हैं। कभी भी किसी भी बच्चे का ज्ञान अनिश्चित होता है, उसे ये नहीं पता होता कि वो जो बोल रहा है, जो समझ रहा है वो निश्चित है या नहीं है। तो बच्चे की सोच को बिना रोके, बिना बांधे कक्षा में जो भी वो प्रेजेंट करना चाहता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हो और वो रिप्लाई देता है, रिप्लाई देने में उसे कभी रोके टोके ना, उसे वो जो ज्ञान है उसके पास उसे बोलने का मौका दे और जो वो ज्ञान वो नहीं जानता है उसे धीरे धीरे क्या करना है, हमें डेफिनेट करना है। मतलब अभी उसका ज्ञान अधूरा है, उसे सुनने का हमें पूरा मौका होना चाहिए कि हम उसे सुन सकें और सुनने के बाद धीरे धीरे उसे क्या करें, हम लोग डेफिनेट में कन्वर्ट कर दें। मतलब बच्चे के ज्ञान को सही और करेक्ट करते हुए लेबोरेट और डिफाइन करें।
एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। एनालिसिस का मतलब होता है कि जब हम किसी चैप्टर को या किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, उसको कहते हैं हम एनालिसिस। जबकि हम सिंथेसिस का मतलब होता है, संश्लेषण का मतलब है इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना। ध्यान रखोगे कोई भी टीचर जब क्लास में कोई भी चैप्टर पढ़ाती है तो उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देती है, क्योंकि एक दिन में पूरा चैप्टर कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो पहले दिन में वो वर्ड आपको थोड़ा सा मीनिंग बताएगी, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स लिखवाएगी, शायद क्वेश्चन आंसर भी लिखवा सकती है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर धीरे धीरे वो किसकी तरफ चली जाती है, सिंथेसिस की तरफ चली जाती है। तो हर एक टीचर एक दिन में पूरा चैप्टर ना कराकर उनको छोटे छोटे भागों में बांट कर पढ़ाती है। एक साथ पूरा टेंस नहीं पढ़ा सकते, इसलिए पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ाएंगे, फिर उसमें सिंपल, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करके उसको पढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज को एक साथ ना पढ़ाकर छोटे छोटे भागों में बांट कर धीरे धीरे पूरे की तरफ जाना है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। होल टू पार्ट अगर देखोगे तो जस्ट अपोजिट है इस मैगजीन्स का, पूर्ण से अंश की ओर। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, अंश से पूर्ण की ओर जा रहे थे, बट यहाँ पर हम कैसे जा रहे हैं, पूर्ण से अंश की ओर। कभी कभी देखा होगा जब टीचर पढ़ाती है तो पूरा चार्ट आपके सामने एक्सप्लेन करती है कि ये टेंस का चार्ट है, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करती है, या फिर नाउन के पूरे पार्ट्स लिखवा देती है, संधि के पूरे पार्ट्स लिखवा देती है, या पार्ट ऑफ स्पीच पूरा आपको लिखवाती है, और देन उसके बाद वन एक के बाद एक आपको क्या करती है, डिफाइन करती है। इसका मतलब क्या है कि हमें जैसे साइंस को भी इसको अप्लाई कर सकते हो, एक टीचर पूरे पेड़ को दिखाती है और पेड़ के बाद उसके ब्रांचेस, उसकी जड़ें, उसके पत्ते, उसका फूड, उसका सारा प्रोसेस आपको समझाती है। इट मीन्स पहले क्या कर रही है वो, होल, और उसके बाद क्या कर रही है, पार्ट। उसी तरीके से हम बच्चों को पूरे बॉडी पार्ट दिखाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसमें आपने देखा भी होगा, प्रायोरिटी में आपको बहुत अच्छे से नजर आएगा कि आप पूरे बॉडी पार्ट लिखे होते हैं उसमें, सारे नोज, लिप्स, आईज, सारी चीजें। और देन उसके बाद सेकेंड पेज पे आपके फाइव सेंसेस दिए हैं, फिर एक एक बॉडी पार्ट्स के नाम है, तो वो क्या होता है आपका, होल टू पार्ट। एम्पिरिकल टू रैशनल, इसका मतलब होता है एग्जाम्पल टू, हम लोग किसकी तरफ जाना चाहिए, तार्किक चिंतन की तरफ जाना चाहिए। हमें कोशिश करना है कि जो भी चीज हम क्लास में करवाएं वो अनुभव से संबंधित होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों को जो भी सिखाएं वो उनकी रियल लाइफ में इस्तेमाल किया जा सके और वो उसका प्रयोग उनकी क्षमता के आधार पर कर सके। तो अनुभव से संबंधित मैगजीन्स की बात करता है ये, जहां पर वो कहता है कि बच्चे को उसके ज्ञान को अनुभव में बदल देना चाहिए। 11th नंबर पे है फॉलो नेचर। दो टाइप के नेचर है, ध्यान रखिएगा, आपकी कक्षा में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा जो है व्यक्तिगत विभिन्नता रखता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है। हर बच्चा कोई ना कोई इंटेलिजेंस क्वालिटी रखता है, उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है, शायद वो बहुत फास्ट लर्नर हो, स्लो लर्नर हो, बैकवर्ड चाइल्ड हो, क्रिएटिव चाइल्ड हो, या फिर किसी भी मोरन टाइप ऑफ चाइल्ड हो सकता है। तो आपको उसको समझ कर पढ़ाना जरूरी है। इट मीन्स फॉलो नेचर का मतलब है एक जो एनवायरमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं प्लस जिस बच्चे के लिए आप एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उन दोनों को समझ कर अपने टीचिंग वे को मॉडिफाई करना या चेंज करना। एंड देन लास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ स्टडी। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द मैगजीन्स, क्योंकि अगर टीचर मैगजीन्स यूज कर रही है तो क्यों कर रही है, क्या रीजन है उसका। रीजन एक ही है कि बच्चे को सेल्फ स्टडी करने के लिए प्रमोट करना। आप इतना अच्छा पढ़ाएं, इतना अच्छा समझाएं कि बच्चे उसको स्वयं क्या कर सके, एक्वायर कर सके, एक्विजिशन कर सके, और देन उसको अपनी रियल लाइफ में यूटिलाइज कर सके और अप्लाई कर सके। तो हमारा मेन मोटो जो है इस मैगजीन को यूज करने का, वो क्या है, सेल्फ स्टडी करवाना। आप बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो उन्हें क्लियर हो जाए और उनके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे पढ़ाएंगे। दो बातें ध्यान रखेंगे, सबसे पहला कि मैगजीन चूज करने के लिए हमें बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर चूज करना है कि मेरी क्लास में पढ़ने वाले 40 या 30 बच्चे जो हैं उन पर ये मैगजीन फिट बैठे और वो इजी वे में समझ सके। दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे को आप पढ़ा रहे हो वो आपका एग्जाम्पल या डिलीवर करने का वे उस मैगजीन्स को भी बनाए रखे और बच्चे की मेंटालिटी को भी हैंडल करे, ताकि वो मेथड पर फिट बैठे और आपका
एप्लीकेशन जो है यूजफुल हो और जिस ऑब्जेक्टिव से आप टीचिंग करने गए हैं वो भी आपका पर्पसफुल हो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगी। कमेंट करना ना भूलें, सुझाव देना ना भूलें। नमस्कार।